हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो फाइनली WWE का एक शॉकिंग पेपर व्यू यानी कि सर्वाइवर सीरीज 2018 खत्म हो चुका है और सभी मैचेस के बड़े या फिर शॉकिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे सभी हाइलाइट्स के बारे में, सभी मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज 2018 में दिखाई दिए। तो देख इस बात की शुरू करते हैं। इस बार शो की शुरुआत होती है, फिर किक ऑफ शो का जो मैच होता है वो होता है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन 5-on-5 टैग टीम ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच, जहां पर चैट गेबल, बॉबी रूडी, एशेंशियंस, लूचा हाउस पार्टी, रिवाइवल और द बी टीम हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्मैकडाउन की तरफ से दी यूसोस, द न्यू डे, दी कोलोन, सैनिटी, ल्यू गैलोज एंड कार्ल एंडरसन देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है। दोनों टीम की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन इस मैच के एंडिंग में हमें जीत दिखाई देती है टीम स्मैकडाउन लाइव की, क्योंकि यहां पर दी यूसोस एंड में रिवाइवल को पिनफॉल विक्ट्री बाद हमें इस बड़े मैच में जीतते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद हमें मेन शो में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन 5-on-5 वुमेन्स ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज का मैच देखने को मिलता है, जहां पर यहां पर हमें रॉ में नाया जैक्स, टमीना सुनुकु, एम्बर मून, शाशा बैंक्स एंड बेली देखने के लिए मिलती हैं। और स्मैकडाउन में नयोमी, सोनिया डेविल, आस्का, कार्मेला एंड मैंडी रोज देखने को मिलती हैं, जहां पर शुरुआत में हमें टमीना सुनुकु और नयोमी एलिमिनेट होती हुई नजर आती है अपनी टीम्स की तरफ से, लेकिन मैच के एंडिंग में हमें जीत दिखाई देती है फाइनली टीम रॉ की तरफ से, क्योंकि नाया जैक्स पहले कॉस करती है शाशा बैंक्स मैच जब आस्का स्मैकडाउन लाइव की तरफ से रह जाती है, लेकिन एंड में नाया जैक्स लगातार लेग ड्रॉप देने के बाद हमें आस्का को हरा के नजर आती है और टीम रॉ की तरफ से वो जीत हासिल कर लेती है। जिसके बाद रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रॉलिंस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसुके नाकामुरा के बीच, जहां पर मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, बीच में किंग साशा भी लगता है सेथ रॉलिंस को, लेकिन स्टिल सेथ रॉलिंस इस मैच में किक अप कर जाते हैं, लेकिन मैच की एंडिंग में हमें जीत दिखाई देती है सेथ रॉलिंस की, जब किंग शासा से बचने के बाद एक स्टंप लगा देते हैं और इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि था दी ऑथर ऑफ पेन वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन द बार के बीच, जहां पर दोनों टीम्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन मैच के बीच में हमें एक बहुत ही फनी चीज देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बिग शो ड्रेक मैकरी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ड्रेक मैकरी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी पैंट गीली कर बैठते हैं, लेकिन मैच की एंडिंग में हमें जीत दिखाई देती है ऑथर ऑफ पेन की और वो इस मैच में हरा देते हैं द बार को। जिसके बाद हमें क्रूसरवेट टाइटल मुस्तफा अली वर्सेस बड़ी मफी के बीच एक मैच देखने को मिलता है, जहां पर दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हर बार की तरह काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं मुस्तफा अली के बैक में चोट लगी है, जिसके बाद एंड में बड़ी मफी अपना मर्फी लॉ दे देते हैं और अपनी टाइटल को इस बड़े मैच में रिटेन कर लेते हैं। जिसके बाद रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का 5-on-5 मेंस ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज का मैच देखने को मिलता है और ये था ब्रॉन स्ट्रोमन, ज़िगलर, मैकइंटायर, फिन बैलर एंड लैशली वर्सेस स्मैकडाउन कमिश्नर शेन मैकमैन, जेफ हार्डी, द मिज, सामोआ जो, 619 रे मिस्टीरियो, जहां पर मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से आप देखो दोनों टीम्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई देती है, लेकिन मैच के एंडिंग में हमें दिखाई देती है सिर्फ टीम स्मैकडाउन की तरफ से शेन मैकमैन बच जाते हैं और रॉ में हमें ब्रॉन स्ट्रोमन, ड्रू मैकइंटायर एंड बॉबी लैशली दिखाई देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन लगातार एलिमिनेशन करते हैं और एंड में जीत हासिल कर लेते हैं अपनी टीम की तरफ से। जिसके बाद एक बार फिर से बैरन कॉर्बिन का हमें अटैक ब्रॉन स्ट्रोमन पर देखने को मिलता है। उसके बाद हमें रॉ की वुमेन्स चैंपियन रोंडा रोजी फेस करते हुए नजर आती है शार्लोट फ्लेयर का, जहां पर दोनों वुमेन्स की तरफ से एक तरह का मेन इवेंट कह सकता हूं लग रहा था, क्योंकि यहां पर दोनों वुमेन्स की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन मैच के एंडिंग काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि यहां पर हो चुका है शार्लोट फ्लेयर का हील टर्न, उन्होंने कैंडो स्टिक से अटैक करना शुरू कर दिया रोंडा रोजी पर, जिसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन से हमें रोंडा रोजी जीतती हुई नजर आती है और उसके बाद लगातार ही हमें यहां पर बैकी बैकी का चैंट देखने को मिलता है, लेकिन शार्लोट फ्लेयर की तरफ से भी हमें काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई देती है और लगातार वो रोंडा रोजी को बुरी तरह मारती हुई नजर आती है। जिसके बाद फाइनली मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि था यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर वर्सेस WWE चैंपियन डैनियल ब्रायन के बीच, जहां पर मैच के बीच में हमें डैनियल ब्रायन की तरफ से एक अचानक से खतरनाक मूव देखने को मिलता है, क्योंकि ये मूव होता है लो ब्लो, जिसके कारण ब्रॉक लेसनर मैच में पिटते काफी बुरी तरह है डैनियल ब्रायन के हाथों, लेकिन मैच की एंडिंग में हमें स्टिल जीत दिखाई देती है यूनिवर्सल चैंपियन रॉक की तरफ से ब्रॉक लेसनर की, जब वो अचानक से एक F5 लगा देते और डैनियल ब्रायन को इस ब्रूटल मैच में हरा देते, तो कहीं ना कहीं डैनियल ब्रायन की तरफ से भी इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई दी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करिए आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं स्मैकडाउन लाइव की एक भी विक्ट्री ना होने के बारे में सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलते रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।